चैप्टर थ्री के पहले हिस्से में हमने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स इस्तेमाल होते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ा। दूसरे हिस्से में हम इक्वेशंस देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मोमेंटम, इम्पल्स, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस और प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आपको स्क्रीन पे चार इक्वेशंस नजर आ रही हैं, इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। ये एक खास किस्म के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उस मोशन की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे देखें तो एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में हमें नजर आए। दूसरी कंडीशन ये है कि मोशन लीनियर होना चाहिए। लीनियर मोशन वो होता है जो वन डायमेंशनल में होता है, वन डायमेंशन में होता है, एक ही एक्सिस के ऊपर होता है। इसका मतलब यह है कि हमारी वेलोसिटी, हमारी डिस्प्लेसमेंट और हमारी एक्सेलरेशन की एक ही डायरेक्शन है। जब ऐसा होता है तो हम इनको वेक्टर्स के बजाय स्केलर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इन वेक्टर्स, नॉर्मली वेलोसिटी के ऊपर हम एक बार शो करते हैं, एक्सेलरेशन के ऊपर करते हैं, मगर अब हम नहीं करें इसलिए क्योंकि हम इनको एज स्केलर्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सबकी एक ही डायरेक्शन है, हमें पहले से पता है इनकी एक ही डायरेक्शन है, तो इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट थी जिसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी और फिर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसने एक फाइनल वेलोसिटी पे वो गया, जिसको हम वीएफ कह देते हैं। अब अगर आप इस ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपको चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये एक्सेलरेशन शो कर रही है, इस लाइन की स्लोप क्या है? इस लाइन की स्लोप है हमारे पास vf माइनस vi को हम इस टाइम t से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप है और ये हमारे पास असल में, हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि मेरे पास जो ये vf माइनस vi का जो डिफरेंस है परपेंडिकुलर vf माइनस vi, ये a इंटू टी के बराबर है और ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारे पास, हम इनिशियल वेलोसिटी में ये वाला कंपोनेंट अगर हम ऐड कर देते हैं एटी वाला, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है। इसकी स्लोप हमने देखा कि हमारे पास एक्सेलरेशन थी और अब हम इसका एरिया अंडर द कर्व देख रहे हैं। स्लोप के लिए हम क्या कहते हैं, स्लोप की डेफिनेशन क्या है? स्लोप बराबर होती है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स के। तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स जो था ना, वो इसकी स्लोप थी। और एरिया अंडर द कर्व जो होता है उस पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास किस चीज के डायमेंशन आ रहे हैं। वेलोसिटी को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। अब अगर हम इस कर्व को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल है, यानी एक स्क्वायर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है? उसकी हाइट इनटू उसकी विड्थ, ये जो विड्थ है टाइम टी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस टाइम, सॉरी प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है ऑफकोर्स, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम। और अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड करेंगे, ट्राइंगल की हाइट कितनी है? वी एफ माइनस वी आई है, वी एफ माइनस वी आई है और इसकी लेंथ, इसकी विड्थ टाइम है। टाइम से मल्टीप्लाई किया, उसको टू से डिवाइड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर का हाफ होता है। इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई हमारी सिंपली। अब हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट थी वो एरिया अंडर द कर्व था, उसमें दो कंपोनेंट्स थे, एक इनिशियल वेलोसिटी की वजह से और एक फिर जो हमारी एक्सेलरेशन हुई उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आया। ये जो मैंने वी एफ माइनस वी आई लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ? मुझे पता है वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर होता है, ए इंटू टी के। ए को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी एफ इंटू वी आई आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकती हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वी एफ माइनस वी आई की जगह ए टी लिख रही हूँ और फिर इस वाले टी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ए टी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई टू। ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी अवेलेबल ना हो तो फिर मैं एक्सेलरेशन डाल देती हूँ। जो मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप उसको डिराइव करके यूं भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टी। सिंपल सी डेरिवेशन है। अब तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए मैं इस वाली फॉर्म को यूज करूंगी। मैं एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई टू
की साथ जो मैंने टी मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस टी की जगह मैं क्या लिखना चाहती हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से टी को निकाल लेती हूँ। टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के। तो ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको आप देख सकते हैं कि मैं यूं भी लिख सकती हूँ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए। तो वेरी सिंपल, ये चारों इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको समझ में आ गया कि हमारे पास एक ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है उसके ऊपर हम चारों इक्वेशन को मैप कर सकते हैं, और इन चारों इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और कुछ वेरिएबल्स मिसिंग हैं। तो हम एक सिचुएशन देखते हैं, हम एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसमें कभी हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होती, कभी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होती है, कभी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, और कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन होते हैं। तो जो इक्वेशन इनमें से हमें सूट करती है हम उसको यूज करते हुए वो सवाल हल कर सकते हैं। मार्क द करेक्ट रिलेशन। ए हमें पता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम होता है, ये ठीक है। बी में हमें, हमने अभी डिराइव किया, ये फोर्थ लॉ ऑफ मोशन है। सी डायरेक्टली नहीं दिया गया, मगर अगर आप इसको डिराइव करें तो ये एक लॉ ऑफ मोशन बनता है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए ये तीनों करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इसका दुरुस्त जवाब है। thrown vertically upward with an initial velocity 9.8, it will attain a height. हमें VI initial velocity दी हुई है meter per second. इसके अलावा हमें पता है कि उसकी acceleration क्या होगी, वो freely falling body है 9.8 meter per second square. और हमें final velocity इसलिए पता है क्योंकि वो जब body maximum अपनी height पर जाएगी तो एक minute के लिए रुकेगी। Final velocity उसकी 0 है, हमने उसकी displacement find करनी है। हम देख सकते हैं कि हम fourth law of motion use कर सकते हैं, Vf square minus Vi square divided by 2 ए, और इस केस में ए जी से रिप्लेस हो जाएगा और वी एफ जीरो हो जाएगा। तो हम माइनस 9.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 9.8 स्क्वायर से ये कट गया, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4.9 होगा, माइनस उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। आंसर हमारा करेक्ट सी 4.9 है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर एक बॉडी एट रेस्ट है तो वो हमेशा एट रेस्ट रहेगी अनलेस हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें अनबैलेंस्ड, जिसके नतीजे में वो बॉडी मूव करेगी, तो वो हमेशा हमेशा मूव करती रहेगी इस लॉ के मुताबिक। नॉर्मली वो कोई बॉल हो, बॉडी हो, वो रुक जाती है, वो रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। इस लॉ के मुताबिक उसको हमेशा मूव करते रहना चाहिए। दूसरा लॉ, हम जब एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उसका मास एम है और उस फोर्स के नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होती है, तो उसका ये रिलेशनशिप होगा। यानी अगर हम दो बॉल हैं, एक का मास कम है एक का मास ज्यादा है, हम इनके ऊपर एक जितना फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई करते हैं, तो जो छोटा बॉल होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और बड़े बॉल में कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। या अगर हम दो एक ही साइज के बॉल लेते हैं और एक के ऊपर हम 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं, एक के ऊपर 10 न्यूटन अप्लाई करते हैं, तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा लॉ ये है कि हम जब एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो दीवार भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो बच्चों की जो गाड़ियां होती हैं उसको दीवार के साथ टकराएं तो वो वापस गाड़ी आएगी, क्योंकि उस दीवार ने उस गाड़ी के ऊपर वापस उतना ही फोर्स अप्लाई किया होगा। मैकेनिकल फॉल्ट, लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेरेंट वेट ऑफ मैन इनसाइड द लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर एक बंदा है, उसका हमने अपेरेंट वेट फाइंड करना है। हम ये देखना चाहते हैं कि इस बंदे के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक उस बंदे के ऊपर वो फोर्स एक्ट कर रहा है जो उस डब्बे के ऊपर एक्ट कर रहा है, यानी इस एलिवेटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसको हम एफ कह देते हैं। माइनस उस बंदे के ऊपर इस फोर्स के अलावा फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है जो उसको नीचे की डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो टोटल जो उसके ऊपर नेट फोर्स है वो ये है। जब एलिवेटर की रस्सी टूट जाती है तो ये जो डब्बे के ऊपर फोर्स एफ था ये हट जाता है, और इसकी जगह अब डब्बे के ऊपर क्या फोर्स होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब डब्बे के ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बंदे के ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों एक जितने हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स बंदे के ऊपर जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से अपेरेंट वेट उसका जीरो आएगा। वो बंदा और वो लिफ्ट एक ही एक्सेलरेशन से नीचे मूव करें, इस वजह से उनका नेट फोर्स, उस बंदे को अपना कोई वेट फील नहीं होगा। मोमेंटम को न्यूटन ने कैसे डिफाइन किया, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है या वो बॉडी कितनी मुतहरिक है। मोमेंटम क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास गाड़ी है और एक हमारे पास बड़ा सा ट्रक है, और ये दोनों मूव कर रहे हैं, इनका एक मास है और ये एक खास वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इन दोनों के सामने हम एक ही साइज के दो बोर्ड रखते हैं। अब गाड़ी जब इस बोर्ड से टकराती है तो ये बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और ट्रक जब इस बोर्ड से टकराता है तो वो बिल्कुल बैठ जाता है। अब इस गाड़ी और इस ट्रक में वो क्या चीज थी
जिसकी वजह से जब ये आगे इनके सामने कोई चीज आई तो इस इन्होंने उस चीज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट किया, उस चीज को हम मोमेंटम कहते हैं। जब एक बॉडी मूव कर रही होती है उसका एक मास होता है, उसके अंदर एक वेलोसिटी होती है, तो उसके अंदर एक मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम की वजह से उसके सामने कोई चीज आएगी तो वो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी। मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब है कि वो वेलोसिटी और मास दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मास ज्यादा होगा उतना उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा, या अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जितना मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्नूकर टेबल है जिसके ऊपर एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। रेड बॉल के ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है। रेड बॉल का मास एम आर है, वेलोसिटी वी आर है, और ये जो क्वांटिटी है ये इस रेड बॉल का मोमेंटम है। इसी तरह ब्लू बॉल का एक मोमेंटम है पहले एम बी वी बी। वेलोसिटी चूंकि इस वक्त जीरो है तो इसलिए ब्लू बॉल का मोमेंटम जीरो है, मगर ये इसका मोमेंटम है। सिस्टम का टोटल मोमेंटम इस वक्त इन दोनों मोमेंटम्स का सम है। ये फर्स्ट स्टेट है हमारी। अब सेकेंड स्टेट में क्या होता है कि रेड बॉल की ब्लू बॉल के साथ कोलिजन होती है, टक्कर होती है, तो जिसके नतीजे में दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। अब इनके नए मोमेंटम हैं एम आर वी आर डैश और एम बी वी बी डैश। अब सिस्टम का टोटल मोमेंटल मोमेंटम जो है वो इन दोनों के नए मोमेंटम्स के बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इस पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम है वो हमेशा हमेशा कंजर्व रहेगा अनलेस उसके अंदर नया मोमेंटम इंजेक्ट किया जाए। टोटल मोमेंटम उस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। तो पहली स्टेट में जो मोमेंटम था वो दूसरी स्टेट के मोमेंटम के बराबर है। तो इसके मुताबिक अगर हमने एक दफा एक फोर्स लगाया, एक दफा हमने एक मोशन इंजेक्ट कर दिया उस सिस्टम के अंदर, तो वो मोशन हमेशा उस सिस्टम के अंदर रहेगा। यानी इस लॉ के मुताबिक इन बॉल्स को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मगर असल में क्या होता है कि हमारे एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, और फिर वो जब इसकी दीवारों के साथ टकराता है उसकी वजह से वो मोमेंटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। मगर आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली एग्जाम्पल में हमने जब रेड बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। उसका पहले एक मोमेंटम था जिसको हमने एम आर वी आर कहा, और फिर जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम एम आर वी आर प्राइम, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले के मोमेंटम में और बाद के मोमेंटम में कितना फर्क था, यानी कितना मोमेंटम हमने उस सिस्टम में इंजेक्ट किया, इस चीज को कहते हैं इम्पल्स। और ये बराबर होती है कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया और कितने टाइम के लिए अप्लाई किया। तो इस ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि हम देखना चाहते हैं हम किसी सिस्टम में कितना मोमेंटम इंजेक्ट करें। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। यानी अगर एक बॉडी के अंदर फर्स्ट करें, ये एक बॉल है, इसकी एक खास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये एक हाइट पे है, और ये बॉल हम नीचे बाउंस करते हैं, नीचे फेंकते हैं, ये बाउंस बैक करके वापस ऊपर आ जाता है उसी हाइट पे। तो क्या होता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी वापस उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 100% इलास्टिक कोलिजन है जिसमें उस बॉल के अंदर जितनी एनर्जी थी वो उसके अंदर ही रही। इसके बरक्स अगर हम उस बॉल को नीचे फेंकें और वो वहीं पर रहे, ऊपर ना आए, तो फिर क्या होगा कि इस बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी इस बॉल में से निकल गई। या तो वो हीट के जरिए डिसिपेट हो सकती है, या वो जिस सरफेस के साथ टकराया उसमें वो चली गई, मगर वो उस बॉल के अंदर नहीं रही, यानी बॉल ने अपनी एनर्जी लूज कर दी। ऐसी कोलिजन को इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी तो हमने कंडीशन लगाई थी कि वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए वैलिड है। अब हम एक टू डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मॉडिफाई होती है। फर्स्ट करें, एक ये फट्टा है, इसके ऊपर एक डब्बा पड़ा हुआ है, और एक बंदा यहाँ से खड़े होकर इस डब्बे को धक्का देता है कि ये डब्बा इस सरफेस से नीचे गिर जाता है। तो अब क्या होना चाहिए, एक मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक इस फोर्स के तहत इसको हमेशा हमेशा आगे की तरफ मूव करते रहना चाहिए। जब ये डब्बा इस फट्टे को छोड़ता है तो इसके ऊपर एक और फोर्स होता है अप्लाई होता है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो कि इसको नीचे पुल करता है। अब इन दोनों फोर्सेस की नतीजे में ये डब्बा ना सीधा जाता है ना नीचे जाता है, बल्कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में नीचे नीचे आता है इवेंचुअली, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन होती है, इसलिए एट द एंड ये नीचे चला जाता है। तो अब क्या होता है कि इस मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं क्योंकि इसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, और इसके नतीजे में फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट का एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा। इसी तरह मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने पैरामीटर्स हैं जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन सब के दो पैरामीटर्स होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को फिर मॉडिफाई करेंगे और उनमें दोनों पैरामीटर्स को अलग अलग देखेंगे।